क्यों साहब, क्या दादागिरी है? ये माल कहाँ ले जा रहे हो? कौन सा माल? दिखता नहीं तेल का टैंकर है। देशपांडे, ये तो लफड़ा हो गया। चल सर, सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये तो तेल का टैंकर है। इसमें तेल नहीं, कुछ और है। और क्या हो सकता है सर? तेल ही है। एक मिनट, रेडी रेडी। जी साहब, ऊपर चढ़। जी साहब, ऊपर चढ़ के देख टैंकर में क्या है। सर, तेल के टैंकर में तो तेल ही होगा ना, और क्या होगा सर? तेल है साहब। देखा सर, हमने तो बोला था तेल ही है। ये क्या सर? कमाल हो गया सर। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये यहाँ। यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट। इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। एक काम नहीं, गिरफ्तार करो सबको। रामजादे, तेल के डेगर में कारतूस लेके आते हैं। तुम बिल्कुल टपोरी लग रहे हो। मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम ही रुकना। अगर मैं 20 मिनट में वापस नहीं आया, तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाना। ओके ओके। Yes, please. क्या जाने मन, मेरे को नहीं पहचाने क्या? No, क्या चाहिए आपको, संतरा या मौसमी? क्या जी खाला, तुम्हें क्या समझाई? वही क्या फल खरीदने को आए क्या? मेरे को दो राजू पंडित होना। राजू पंडित? आओ, जाकुनों को बोलो अख्तर हैदराबादी आई। कौन है? हसम चार मीनार की आखी आज बड़ी है, खाना नहीं। अरे जाके बोलो ना उनको। अरे जाना मेरी अम्मा। बुलाओ उसे। मैं राजू पंडित, तू कौन है? क्या मिया, अख्तर हैदराबादी को भूल गए तुम्हें? लगता है पहले भी मैंने कहीं देखा है तुम्हें। अल्लू बोल, ये बात तुम इधर की है, हैदराबाद में नहीं करना, सुनेगा तो बच्चा भी हंसेगा। अख्तर हैदराबादी को कौन नहीं जानता? ए श्याणे, दिमाग की माँ बहन मत कर, मतलब की बात कर। बोल क्या बात है? मेरे को फॉरेन का तमंचा होना भाई। घोड़ा? तुमको कौन बोला यहाँ घोड़ा मिलता है? घोड़े वाला और कौन बोलेगा। मियाँ, मेरे को खासिम भाई यहाँ भेजे। माल लाया है तू? माल जेबा इतने भारी हो गए मेरे कि पतलून घड़ी घड़ी नीचू जा रही। भरोसा नको तो खोल के दिखाऊं? ए नहीं, चल साथ में चल। आओ राजू मियां, मेरी जोरू का एक आशिक है, उसकी आशिक के खिलाफ करना है मेरे को। एक ऐसा तमंचा देना, एक बटन दबाए तो छह का छह गोली अंदर। समझ आ रही ना आएगी?
बहुत दिल जला के मेरे को कबाब बनाए और राजा मियां मिलिट्री का सारा सल्ला इधर ही चुतरता है क्या? कुछ देर रुक जा, मेरा और माल आ रहा है, लेटेस्ट ऑटोमेटिक। मुर्ती इनको जो चाहिए वो दिखा दो। वो दो नली देखा मुर्ती मियां। हेलो राजू, मैं शिवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शिवा भाई। कासिम को पुलिस ने पकड़ लिया है और हमारा माल जो टैंकर से आ रहा था पकड़ा गया, सारा माल जब्त हो गया है। क्या? और तू जरा ध्यान से रहना, पुलिस वाला कहीं तेरे ऊपर हाथ न धरे। एक मिनट शिवा भाई। अम्मोगे क्या जाना लेंगे क्या? अब इसमें गोली वोली नहीं है तो रख देना, अगर गोली की नली मेरे को नको। उसको हाथ मत लगाओ। अबे हावले, कान की हड्डी हाथ में दूंगा, चबा देवे घर को जाएगा क्या? हाँ शिवा भाई, वो फुकर अपने ही पिंजरे में आया है। क्या तू वहां पहुंच गया? इसको इधर ही सुला देता हूँ। तू उसे कुछ नहीं करेगा राजू, उसे जिंदा रखने का है। भाई का ऑर्डर है। वो भी ठीक है। हतम जार में नाराजगी, कौन सी नली लो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अख्तर हैदराबादी, हिल गया तेरा चार मीनार। चार मीनार तो क्या, हैदराबाद का एक पत्थर नहीं लगा। Thank you.
क्या जरूरत थी मेरे पीछे आने की? तुम्हारी वजह से मुझे इस आदमी को मारना पड़ा। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, वरना इसकी मदद से मैं। लेकिन पिस्तौल गाड़ी में थी और मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसलिए। इनफ, आइंदा जो मैं कहूँ वही क्या करो, समझी? भालू ऊपर करो। देखो संजन, कल से तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वो मिल गया होगा। नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे अभी तक नहीं मिला। तो फिर कल 9 बजे। अरे क्या कर रहे भाई साहब, ये रिजर्व बस है, सीट खाली नहीं है। अबे हट, अपने लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। अरे चल बैठ जा, अपने सीट मिल गई। ओ भाई देखते नहीं बस भाई, बढ़िया है। बैठोगे कहाँ मेरी गोद में? अबे हट, गोदी में तो तू बिठाएगा, बैठ रहे रही। लेकिन टोनी तू कहाँ बैठेगा? अरे अपने लिए कोई भी सीट खाली हो जाएगी रे। ये बैग किसका है? चमड़े का। ए शानपट्टी, तू क्या कानपट्टी, चल पतला हो जा। पतला तो नहीं हो सकता मैं, आप कहें तो मोटा हो जाता हूँ। अबे तेरू का पंगा करने गए क्या? पंगे के लिए यहाँ जगह बहुत कम है, बाहर बहुत जगह है, बाहर चलें। अच्छा, अरे ये रोहित, ये साले को लगता है पंगा करने का अपुन से। चल ले दे, चल आ दे, चल आ, चल आ, बाहर ले इसको, इसकी शानपट्टी निकाल दे। आजा आजा आजा, चल चल चल, अरे शाने चल उतार। अरे ड्राइवर चलो। वाह क्या दिमाग चलाया आपने। चलो बस यहाँ 10 मिनट रुकेगी, नाश्ता पानी कर लो, चलो पर्स वगैरह अपने साथ ले लो। कौन पप्पू? आओ तुम्हें मैं चॉकलेट दिला दूँ। ये वही लड़का है जो बस में मिला था। साला इसका मतलब वो शाना भी इधर ही होगा। हट, अरे ढूंढो रे उसको, ये ढूंढे। ला दे। अबे मिला क्या वो? नहीं यार, नहीं मिला, इधर गया। ए बस में होगा, देख ठीक से देखा ना तूने? अरे वो रहा रे, लगता है वो लोग आ गए। मास्क क्यों बे शाने? मंत्री तू नहीं बचेगा। Oh!
कौन है तू? नौकर, सरकारी नौकर। तुमने जिसको मारा है वो मेरा भाई था। कानून का कोई भाई नहीं होता है। पप्पू, मम्मी, छोड़ देना। ये आदमी अचानक पलक झपकते कहां से आ गया, कुछ पता नहीं चला। इस आदमी ने मेरे एक भाई को मार दिया और एक को गिरफ्तार कर लिया। ये हमारी खुशकिस्मती है। वो आदमी जिसका हमें नाम मालूम नहीं, वो ढाबे पर मौजूद था और श्री विश्वास राव जी की जान बच गई। सवाल ये उठता है, कैसा लगा आपको देश में? घटिया। घटिया क्या तुम इसे प्रोग्राम कहती हो? अरे ये तो न्यूज रील से भी खराब है, बोगस है बिल्कुल। लेकिन अंकल, आपको ये बोगस क्यों लगा? अंकल, तुमने फिर मुझे अंकल कहा? देखो लड़की, नो अंकल आंटी इन बिजनेस। वैसे अगर तुम मेरी भतीजी ना होती ना, तो मैं कब से तुम्हें कचरे के डब्बे में फेंक चुका होता। ये तो बताइए, मेरी गलती क्या है? हे भगवान, अभी इसे इसकी गलती भी बतानी पड़ेगी। अरे भाई, तुमने पब्लिक का इंटरव्यू लिया है, हीरो का इंटरव्यू कहाँ है? कौन हीरो? वही जो ढाबे पे मौजूद था जिसने मंत्री जी की जान बचाई। देखो संजना, मेरे ख्याल से तुम वापस अमेरिका चली जाओ अपने माँ बाप के पास और कोई अच्छा सा लड़का देख के अपना घर बसा लो। ये कैरियर वैरियर तुम्हारे बस का रोग नहीं है। बाय। सर वन मिनट। यस। आपको उस आदमी का इंटरव्यू चाहिए ना? यस यस। आई विल गेट इट। मैं उसे अभी ढूंढ के निकालूंगी और उसका इंटरव्यू लेके आऊंगी। यू वेट एंड वॉच। ऑल द बेस्ट। बाय। सर, हमने उस आदमी का पता लगाया। उसका नाम है अमर दाम जी। अमर दाम जी, ऐसे जांबाज नौजवान को तो बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। गजब की फुर्ती है उसके जिस्म में और दिमाग में जिस्म से भी ज्यादा। यह कोई आम आदमी नहीं है। दो बार हमने डेलीगेट्स भेजे लेकिन गनस्ट्रॉम कंपनी ने उस आदमी का नाम बताने से इनकार कर दिया जिसने जनता की कमाई के 110 करोड़ रुपए खाए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ बेईमान राजनीतिज्ञ दलाली की कमाई से अपना घर भर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप बता सकते हैं कि आप और आपकी सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है? अब मैं अमेरिका जा रहा हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि वहां से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। गनस्ट्रॉम कंपनी से मैं उस आदमी का नाम लेकर आऊंगा जो असली गुनाहगार है और उसे आप या मैं नहीं बल्कि जनता सजा देगी। अब आपके सवालों के जवाब मेरे डेप्यूटी चतुर्वेदी जी देंगे। जय हिंद।
जी पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब हमारे पास है। हाय। हाय। आप इस यूनिफॉर्म में? मैंने कहा था ना, मैं जो हूँ वो दिखती नहीं हूँ। मैं एनसीसी कैडेट हूँ। अच्छा। एक मिनट सर। यस। तो मुझे आपसे एक काम है, आप घर कब आ रहे हैं? हाँ, बहुत जल्द, बहुत जल्द। कैसे काम करते हैं उसकी अगर लाइव कवरेज में मिल जाए सर तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। मैं आपकी ये मुश्किल अभी आसान कर देता हूँ। अमर। यस सर। भाई ये है मिस संजना रॉय इंडिया दिस वीक की तरफ से, और आपके काम करने के तरीके पर एक टीवी प्रोग्राम बनाना चाहती है। इस प्रोग्राम के लिए एक हफ्ता काफी है। सर मैं कोशिश करूंगी। दो हफ्ते लग जाए तो भी ठीक है। लेकिन सर। ओब्लाइज हर। थैंक यू सर। कल 9 बजे। एक बार तू मेरे हाथ में आ जा, एक बार। हीरा तुम्हें क्या लगता है मेरी पहली चाल क्या होनी चाहिए? अरे साईं चाल तो मेरी ही लग गई है। अरे इधर आ तू, बाहर निकल, तू जाएगा किधर? अरे हीरा ये क्या कर रहे हो? अरे साईं चूहा बिल में घुस गया, इसको बाहर निकाल रहा हूँ। अरे हाथ बिल में मत डालो, काट लेगा। अगर चूहा पकड़ना है तो उसे बाहर बुलाओ, पापड़ दिखा के। मेरा मतलब है रोटी दिखा के। ये तो घोड़ा है। घोड़ा नहीं, ये तो आरबी घोड़ा है। छोड़, जान दे। नहीं। इस घोड़े का तबेला किधर है आपको मालूम है? चल। ये कहां से मिला रे तेरे को? बड़ा मिला सेठ, कचरे के डिब्बे में। कचरे के डिब्बे में झूठ बोलता है क्या फुकनी के? मां कसम आपके साथ पन्ना लेगा, इतना एड़ा दिखता है क्या अपन? गफोर 500 थमा के इनको यहाँ से निकल डाल। बस क्या सेठ, आपके पास बड़ी उम्मीद लगा गया था मां कसम, ये सोच कर कि आपका इलाका में ऐसे आइटम का कदर आपको ही होएगा। अबे चलेगा क्या बोलते? चलेगा 500 में काम चला लेंगे। चलो फोटो। शुक्रिया सेठ, याद रखेंगे सेठ। कसम सेठ, माल मिला फिर मिलेंगे, वादा आप उनका। माल मिला निकल ले बाबू। अरे भाई साहब आप लोग ने मेरा काला बैग देखा? 2 गन थी उसमें। अभी ये फुकनी के कौन है रे ये? अरे वो पड़ा है। चलो अच्छा हुआ मिल गया। वो क्या है कि गंध मेरी नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की, सरकार की है, वापस करनी पड़ती है ना। अबे कौन है बे तू?
चले हवाला चले, वहां हवा भी आएगी और लात भी पड़ेगी। किसको बेचते हैं बंदूकें? बेचते नहीं साहब, मैं और किसी को टपकाने के लिए इन छोकरों से लिया था। जो दूसरों को टपकाने की हिम्मत रखते हैं उनमें खुद भी टपकने का कलेजा रहता है। सच बोलता हूँ साहब, सच बोलता हूँ। देखते तुम्हारा कलेजा कितना बड़ा है। मैं पता था राजू पंडित है उसका नाम। उसके सिवाय कुछ नहीं मालूम, उसके सिवाय कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे मालूम, इसमें गोली बाकी है। उसका माल टैंकर में आ रहा है। टैंकर का नंबर? ये मार्च 4052। हुआ भाई, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के मुताबिक उंगलियों के निशान इसी के हैं, इसी के उंगलियों के निशान इसी के हैं। शहर के मशहूर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डॉक्टर मोगे हाजिर हो। मोगे साहब, आप शहर के माने हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर भी हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी चीज को छूं भी नहीं और मेरी उंगलियों के निशान उस पर आ जाए? हरगिज नहीं। लेकिन मिस्टर अमर का कहना है कि मौके वारदात पे जो उंगलियों के निशान पाए गए हैं वो उनके नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वहाँ उन्होंने किसी चीज को हाथ लगाया ही नहीं। वारदात पर पाए गए उंगलियों के निशान और मिस्टर अमर दाम जी की उंगलियों के निशान एक है। ये झूठ है, झूठ बोल रहा है। झूठ ये नहीं तुम बोल रहे हो, ये इंसान नहीं है, हवा में भेड़िया है, भेड़िया। मिस्टर मजूमदार, आप अपना बयान कटहरे में आके दीजिए। उस रात जब मैंने पूना से फोन किया तो फोन उठाने वाला कोई और नहीं, यही था। सर यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैंने खून किया तो मैं फोन क्यों उठाता? शट अप। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसके उंगलियों के निशान झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। खून इसी ने किया है, इसी ने किया है, इसी ने किया है। मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथों में देने वाला था, फिर ऐसा क्यों किया तूने? क्यों? सर, सर मेरा यकीन कीजिए सर, सर मैं बेगुनाह हूं। तमाम बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अमर दाम जी को अंजलि मजूमदार के बलात्कार और खून के इल्जाम में सजाए मौत करार देती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। संजना, मैं बेकसूर हूं, चाहे दुनिया तुम पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं तुम पर पूरा पूरा भरोसा करती हूँ। अपना ख्याल रखो।
पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। देखता क्या रे? मारने लगा तेरे को, अरे नहीं छोड़ेगा तेरे को, अरे मारने लगा। इंस्पेक्टर सुना क्या? अरे मारने लगा, नहीं छोड़ेगा। अबे भी घर आ गए। अबे तेरे दिन भर गए रे, तू सही जगह पर है रे, तेरे को छोड़ूंगा ना मैं। चलो अंदर चलो। ए तुम तीनों में कोई लफड़ा नहीं मानता है? क्या साहब, अपन को तो फुकट में लटका दिया ना। ए अब ये साहब नहीं है, अपने जैसा आरोपी है, अपन के बरोबर का। जैसा अपन अपने माँ बाप के लिए तड़पा ना, वैसा ये भी साल अपने माँ बाप के लिए तड़पेगा। तभी जिसको पता चलेगा कि माँ का दर्द क्या होता है। ए, ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को किसी का भी दर्द नहीं होता है। इनको तो बस मेडल चाहिए, तरक्की चाहिए, कोई मरता है तो साला मरे। तुम समझते हो ये काम मैं सिर्फ एक मेडल पाने के लिए कर रहा हूं? तुम जैसे लोग पुलिस वालों की कुर्बानी कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। और जिन माँ बाप भाई बहन की तुम बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे अपने हैं। कभी उन माँ बाप के बारे में सोचा है जिनकी जिंदगी इन जैसे दरिंदों ने उजाड़ दी है और आज भी उजाड़ रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं? ये काम मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते कर रहा हूं, कोई मेडल पाने के लिए नहीं। और इस काम के लिए अगर मुझे तुम जैसे लोगों के 10 घर भी उजाड़ने पड़े तो मुझे मंजूर है। की मौत में आज तक नहीं भूल पाया। हरामजादे, उसकी मौत का बदला तो मैंने उसी दिन ले लिया होता, तेरे पेट की सारी अंतड़ियां निकालकर। मगर क्या करता, खाकी वर्दी वालों ने मुझे जकड़ रखा था। लेकिन आज तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं और तू। Oh!
जल्दी कुछ किए साहब जल्दी बाहर निकलो हरामियों दिन रात लफड़ा करते हो चुप चार बज गए हैं गाड़ी में बैठो खदान में जाना है छोड़ उसको तू चल अपने अपने रास्ते ले लो हम सब बंबई में मिलेंगे इससे पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है लेकिन वो भागे कैसे उन्हें उनकी वैन में हाथापाई हुई और वैन का एक्सीडेंट हो गया उन्हें ढूंढो शहर का कोना कोना छान मारो चमदाड़े
यस सर 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 यस सर बाकी के कैदी मिले ना मिले मुझे किसी भी हालत में अमर चाहिए जी जिंदा या मुर्दा यस सर यस सर कौन है संजना क्या हुआ मुझे गोली लगी है मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ नहीं नहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ की आत्मा को प्रभु शांति दे Cheers. और तुमको जूता दे चतुर्वेदी चतुर्वेदी जी कहो रानी एक खद्दर पहन के आया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हाथ में चूड़ियां डाल के आया हूँ मेरी कसम तो पूरी हो चुकी अमर खत्म हो गया है जो तुम भी चाहते थे उसकी लाश मिली जरा बताइए हमने पहाड़ी इलाका पूरा छान मारा हाँ। उसकी लाश कहीं नहीं मिली ये सुना आपने अरे वो राजपूत है इतनी आसानी से नहीं मरने वाला सर अब हम क्या करें पैरों में घुंघरू बांधिए और कोठे पे जाके मुजरा कीजिए अरे ढूंढो उसे अब कैसे लग क्या तुम्हारा चेहरा या तुम्हारी आंखें नहीं मैं या तुम्हारे होंठ नहीं बाबा मैं तुम्हारे दर्द के बारे में पूछ रही हूँ दर्द वो तो बढ़ चुका है ये पी लो अच्छा लगे नहीं ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी कहते हैं एक दूसरे का झूठा पीने से प्यार बढ़ता है